Hello everyone, welcome back to my channel. In this video, I'll be talking about my interview experience with Walmart. मैंने कैसे apply किया, कितने rounds थे, हर rounds में क्या-क्या पूछे गए, कितना time लगा offer generate होने में, and how does a salary structure in Walmart looks like. ये सारी चीजें discuss करेंगे. And if you have a Walmart interview coming up, or in future if you have such interviews, then this video would be quite helpful. And this is the most requested video in my channel, as you can see. So let's get started. So how did I apply for this role? LinkedIn में मैंने एक post देखा था from my ex-colleague who was working at Walmart at that time. So this was the post which says that Walmart is hiring for these roles. मैंने तुरंत उसको message किया and asked him to refer me. So guys, trust me, referral plays an important role in your job search. अगर आपको कोई job में apply करना है तो आप directly apply मत करिए. आप LinkedIn में जाइए, उस company के 5-6 लोगों को request भेजिए. उन 5-6 लोगों में से 3-4 लोग तो आपका request accept करेंगे. फिर उन 3-4 लोग को आप मैसेज करिए कि दैट यू नीड अ रेफरल. कोई ना कोई तो आपको रेफर कर ही देगा. दिस इज द राइट वे टू अप्लाई फॉर अ जॉब. मैं क्या करता हूँ कि मैंने पहले से ही सबसे कनेक्शन बना के रखा है जो टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में काम करते हैं. तो मैं सबको रिक्वेस्ट नहीं भेजता हूँ, मैं उन लोगों को रिक्वेस्ट भेजता हूँ जो मेरे स्किल सेट से मैच हो. जैसे मेरा स्किल सेल्सफोर्स डेवलपर है तो मैं सेल्सफोर्स डेवलपर लोग को ही रिक्वेस्ट भेजता हूँ. वो ज्यादा बेटर तरीका है. कभी कभी क्या हो जाता है कि मैं जिसको रेफरल के लिए बोलता हूँ वही लोग मेरे इंटरव्यू ले लेते हैं. ये 3-4 बार मेरे साथ हो चुका है. सो हाउ मेनी राउंड्स वे दे? सो टोटल दे वेर 4 राउंड्स ऑफ इंटरव्यू. रेफरल के 2 वीक्स के बाद मुझे HR का कॉल आता है एंड ही स्केड्यूल्ड माई फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू. फर्स्ट राउंड के बारे में बात करने से पहले थोड़ा रिवाइंड करते हैं एंड देखते हैं कि मैंने जॉब सर्च करना स्टार्ट कब से किया. सो इट वॉज बैक इन दिसंबर लास्ट ईयर. मैंने मन बना लिया था कि मुझे जॉब स्विच करना है. सो मैं एक हफ्ता प्रिपेयर करने के बाद मुझे लिंक्डइन में एक मैसेज आती है HR की, गूगल की HR की. सो गूगल की HR की मेल देख के तो एक्साइटमेंट लेवल एकदम पीक में था. बट बाद में रियलाइज हुआ कि मैं तो प्रिपेयर ही नहीं हूँ गूगल के लिए अभी तक. बट एनी हाउ इंटरव्यू शेड्यूल हो चुकी थी और मैंने डेटा स्ट्रक्चर पढ़ना चालू कर दिया और लीड कोड और गीक्स फॉर गीक्स में प्रॉब्लम सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया. बट अनफॉर्चुनेटली गूगल में तो हुआ नहीं, बट एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था. एंड गूगल का सैलरी स्ट्रक्चर सुन के मैंने काफ़ी मोटिवेट हो चुका था एंड अब सोच लिया था कि अब अप्लाई करना है तो सिर्फ प्रोडक्ट बेस्ड में ही अप्लाई करना है. सो इस बीच मैंने और भी प्रोडक्ट बेस्ड में इंटरव्यू देना स्टार्ट कर दिया था, जैसे कि इंडीड हुआ, ग्रैब हुआ, गोजेक हुआ. सो ये सब इंटरव्यू कंपनीज में इंटरव्यू देने के बाद मुझे पता चल गया कि प्रोडक्ट बेस्ड में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इनका इंटरव्यू स्ट्रक्चर होता क्या है. इससे पहले मुझे तो बस इतना ही पता था कि 2 टाइप के इंटरव्यू होते हैं, एक टेक्निकल राउंड, एक हायरिंग मैनेजर राउंड. बहुत तो 2 टेक्निकल राउंड और 1 हायरिंग मैनेजर राउंड. बट प्रोडक्ट बेस्ड में तो कुछ और ही सीन चल रहा है. यहाँ पे पूछे जाते हैं कि 2 डेटा स्ट्रक्चर्स के राउंड, बहुत. उसके बाद एक होता है आपके टेक्निकल स्किल्स, आपके डोमेन स्पेसिफिक. फिर होते हैं लो लेवल, फिर एक होते हैं हाई लेवल डिज़ाइन, फिर होते हैं हायरिंग मैनेजर और कुछ कुछ केसेस में तो बार रेजर भी होते हैं, जैसे अमेजोन और उबर में. सो वापस आते हैं वॉलमार्ट के फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू में. सो मैंने तो डेटा स्ट्रक्चर पढ़ के किया था, बट फॉर्चुनेटली मेरे में डेटा स्ट्रक्चर पूछा नहीं गया. मेरे में आई वॉज आस्क्ड अबाउट माई प्रीवियस प्रोजेक्ट, एनी ऑफ माई चैलेंजिंग वर्क आई हैव डन. फिर इंटीग्रेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे. फिर आई वॉज आस्क्ड अबाउट सम ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिसेस विच आई फॉलो वाइल कोडिंग. सो यही सब क्वेश्चंस पूछे गए थे. इट वॉज अ ईजी गोइंग राउंड. सो 2 दिन के बाद फिर HR का कॉल आता है. ही सेड दैट आई क्लियर्ड माई फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू, दे आर प्लानिंग फॉर माई सेकेंड राउंड. सो मैंने बोला ठीक है. सो नेक्स्ट वॉज माई सेकेंड राउंड ऑफ इंटरव्यू. इट वॉज अ प्योर टेक्निकल राउंड विच वॉज मोर रिलेटेड टू माई टेक स्टैक विच वॉज सेल्सफोर्स. सेल्सफोर्स से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस पूछे गए रिलेटेड टू एडमिन, कॉन्फिग्रेशन, कस्टमाइजेशन, इंटीग्रेशन एंड लाइटनिंग, राइट फ्रॉम द बेसिक टू द एडवांस लेवल. आई हैड अ ग्रेट इंटरेक्शन विद द पैनल एंड इन द एंड ही ऑल्सो मेंशन्ड दैट ही इज रिकमेंडिंग मी फॉर द नेक्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू, जो रेयरली कभी मेरे साथ हुआ है कि एन इंटरव्यू इज टेलिंग दैट यू आर सेलेक्टेड फॉर द नेक्स्ट राउंड. इट वॉज वेरी रिलैक्सिंग कि अब पता है कि थर्ड राउंड तो होने वाला है, अनलाइक यू वेट फॉर द HR फॉर द फीडबैक whether I'm selected or not. So this was a great signal for me. My third round was HLD round, which is a high level design round. In this round, I was given 4 scenarios. Each scenarios में मुझे बताना था my thinking process, my approach
and how will I design an end-to-end solution for those use cases. Out of these teen मैंने अच्छे से explain कर दिया था, the fourth one was not up to the mark, but overall the interview went well. दो दिन के बाद फिर मुझे HR की call आती है. He said that I cleared my third round of interview and he is planning for my fourth round of interview. So my fourth and the final round was hiring manager round. इस round में मैं से पूछे गए थे about my previous company, what it does, about my previous project, business functionality of that project, my role and contribution to that project, why I'm looking for a change, what are my future aspirations. And he also explained me about Walmart project which I will be part of and what would be my role in that project. So ye sare cheeze fourth round mein puche gaye the. So how much time it took to get an offer. So mera first round March starting mein hua tha and my fourth hiring manager round April starting mein hua tha. So interview process ek mahine lag gaye the because there was a gap between my third and the fourth round, a gap of 10 days because hiring manager shayad leave pe the. After my fourth round, it took me 2 weeks to get a confirmation that I have been selected. After the selection mail, I was asked for a document submission. Phir wahan se 2 weeks aur laga to generate an offer letter. आई नो ये काफ़ी टाइम लग गया था, 2 months लग गए थे, बट इट वॉज वर्थ वेटिंग इट. सो वट आर द डिफरेंट लेवल्स वी हैव इन वॉलमार्ट. सो वॉलमार्ट हैज लेवल्स लाइक IN1, IN2, 3, 4 एंड 5. सो 1 आर बेसिकली गिवन टू इंटर्न्स एंड IN2 आर फॉर फ्रेशर्स एंड IN3 आर फॉर एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स हु आर बिटवीन 2 years to 4 years or 5 years. And IN4 are senior software developers who are between 5 and above. And IN5 are for staff engineers who are around 8 years and above. So these are my rough estimates, so this might vary. So talking about the salary structure of Walmart. So Walmart has 3 components in their salary structure. A base, second one is bonus, and the third one is RSU. So this is how the salary structure looks like across all the levels. I have provided a link in the description from where you can find out the current openings in Walmart. And if you need a referral, please comment down below. I would be happy to do so. And if you find this video informative, please give me a like and subscribe to my channel. Thanks for watching.